Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. ये उन दिनों की बात है. वैसे तो जगह मुझे दिल में चाहिए, पर अभी दरवाजे पे दोगी तो भी चलेगा. बैठो। ओ सिपाही, हाथ जोड़ रहे हैं यार, अब तो माफ कर दे. हाँ. अरे अंदर कहाँ आ रहे हो? अब वो राकेश सर ने कहा है कि अर्जेंटली नाश्ता बनाना है. भाई साहब ने कहा है तो वैसे तुम्हें कुछ बनाना आता भी है कि ऐसे आगे मुंह उठा के? भगवान झूठ ना बुलाए, लगते तो नहीं हो. ओ भाई बेला, मेहमानों से ऐसे बात की जाती है, हैं? अरे वो बेचारा भोलू राम चुपचाप काम कर रहा है और तुम उसकी अब भोलेपन का फायदा उठा रही हो. अब कौन कौन भोलू राम? अरे बेटा तुम बताओ, इतने बड़े घर के हो, जरा सा भी अहंकार नहीं है तो ये भोलेपन की निशानी हुई कि नहीं हुई? नैना तुम क्या कर रही हो? जाके मदद करो उसकी. काम छोड़ गई की, काम की ना काज की, ढाई से अनाज की. जाओ. और बेटा तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना है. अरे मैं भूल गई, पर ले. बेवकूफ बनाना तो आता है, पर तुम यहाँ किचन में क्या बनाने आए हो? वो अर्जुन को मसाला पोहा बहुत पसंद है ना, तो वही बनाने आया. एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि भैया को क्या पसंद है? ओ हाँ, अच्छा मैं भी कितनी भोली हूँ. मिस्टर भोलू, समझ गई मैं. अब तो तुम्हें अर्जुन भैया की पूरी जन्म कुंडली पता होगी ना. क्या? हाँ यही तो तुम्हारी खूबी है ना. पहले प्लानिंग करके अपने शिकार को फंसाओ, फिर उसे अपने बातों के जाल में फंसाओ और उसके बारे में सब कुछ जान लो और फिर जितना मन करे उसके साथ खेलो, है ना? देखो ना वो... देख चुकी हूँ. कमाल के खिलाड़ी हो तुम समीर. खेल खत्म भी हो जाता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता. वाह मान गई तुम्हें. कढ़ाई उठाओ और गैस पर रखो. तेल डालो. नहीं मैं बालों में तेल नहीं डालता, सूट नहीं करता मुझे. मैं तुम्हारे बालों की नहीं कढ़ाई की बात कर रही हूँ. कढ़ाई में तेल डालो. ये? हाँ. गैस तो जला दो. अब ये मिर्ची लो और चार मिर्ची काट दो. हरी मिर्ची नहीं काटूंगा,
अगर गलती से हाथ आंखों में लग गया तो जलन होगी और आंसू आ जाएंगे। अच्छा, तो तुमने सिर्फ दूसरों को आंसू देने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? मैं तो खुशियां देना चाहता हूँ। अर्जुन को जल्दी जल्दी करो। वहां रखा कहां? जो भी खाना बनाना है ना जल्दी बनाओ, समझे? और हाँ, भगवान झूठ ना बोले, दोबारा तो तुम मेरे रसोई में घुसना नहीं। अरे ये अनारियों का अखाड़ा नहीं है। भाई साहब भी किसे उठा लाए घर में, समझ भी नहीं आता। आता है ये पोहा माउस के पीछे। जल्दी करो। एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं होते, फिर उसके बारे में दिल क्यों सोचे। बारिश में पिंछा दे के निकलने लगा हूँ, क्या उसकी वजह बदलने लगा हूँ, बदलने लगा हूँ। रुको, अब एक कमी है। क्या? एक मुस्कुराहट के। करे टीवी का एंटीना तो गया काम से, और अब मैच भी। मैं तो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, कुछ भी हो जाए मैं आज मैच देख के ही रहूंगा। मुन्ना पंडित बोले, तुम लोग ना टीवी का एंटीना चेक करो ऊपर। अभी ठीक करके आते। अब नैना प्रीति, तुम बाहर जाके एंटीना चेक करो, मैं यहाँ से बताता हूँ। हाँ। अरे सिग्नल आ गया। एक मिनट, नैना आया? नहीं आया। नहीं आया मुन्ना? थोड़ा ऐसे घुमाना अपनी तरफ को। अभी भी नहीं आया। क्या कर रहे हो? नहीं आया। पंडित तार पकड़, तार पकड़। खींचू ना, आराम से टूट जाएगा। अबा!
नैना अब आया? नहीं प्रीति, नहीं आया। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। थोड़ा राइट में घुमाओ ना। नहीं 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 नहीं, लेफ्ट लेफ्ट, बस बस। हाँ, ये नैना आया? आ गया। तो ये लगता है कि मैच काफी रोमांचक होने वाला है और देखना ये है कि टॉस कौन जीतता है। अगर टॉस भारत जीतता है तो हो सकता है जीत भी भारत की झोली में ही आ जाए। मैदान में दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अरे बता दो आया कि नहीं आया, कंफ्यूज कर रहे हैं, धूप में बैठे हैं। अब देखना ये है कि बाजी किसके हाथ लगने वाली है। दोनों टीम के कैप्टन मैदान में। यार कोई बताएगा आया कि नहीं? दोनों ने हाथ मिलाया। आ गया टॉस। टॉस भारत ने जीत लिया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अरे आया कि ना आया? अब देखना ये है कि कैप्टन क्या फैसला लेते हैं, पहले बैटिंग करेंगे या फील्डिंग। आ गया लिया है। बहुत ही जल्द मैदान पर भारत की सलामी जोड़ी श्रीकांत और अजरुद्दीन। भगवान झूठ न बोले, टीवी की आवाज तो कम करो, पूरे मोहल्ले को सुनाना है क्या? देखते ही बन रहा है जी बिल्कुल। बहुत ही खचाखच भरा हुआ आज का मैदान, उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मोहल्ले को तो नहीं सुनाना लेकिन हाँ, किसी खास को ये आवाज सुनानी है। तो देखना ये है कि आज के मैच में क्या होने वाला है। क्या समझ में नहीं आता क्या करते हैं? मैच में भी देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि एक भारतीय होने के नाते हमारी टीम ही जीते। वो खास इंसान अर्जुन है ये बिल्कुल। लेकिन दोनों की टीम का प्रदर्शन पिछले मैच जे रनिंग कमेंट्रीज को सुनानी है ताकि वो रूम से बाहर आ जाए। भैया बाहर नहीं आएंगे। वो आएगा? नहीं आएंगे। वो आएगा? वो मेरे भैया हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत जिद्दी और सख्त दिल है, वो नहीं आएंगे। तुम्हारी तरह? I mean, तुम दोनों एक जैसे हो क्या? कुछ लोग पहले से वैसे होते हैं और कुछ लोग किसी की वजह से हो जाते हैं। खैर भैया नहीं आएंगे। वो आएगा। लगी शर्ट इसने तुम और तुम्हारे पापा राकेश अग्रवाल को सबक सिखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक शर्त रखी थी और वो शर्त ये थी कि तुम सबके सामने इसको गले लगा के आई लव यू बोलोगी। आई लव यू समीर। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।